हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी ए टू प्लस फ़ोन है, तो रेडमी ए टू प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन रोटेशंस है, तो होम स्क्रीन रोटेशंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और कैसे आप होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सिंपली आपको सर्च करना है होम, और यहाँ पर इस तरह से कोई भी ऑप्शंस नहीं आएगा तो आपको सर्च करना है ऑटो रोटेशंस। तो ऑटो रोटेशंस का ऑप्शन आ जाए, इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, जैसे आप होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट करना चाहें तो इसके ज़रिए आप कर पाएंगे, और ऑफ़ कर देंगे तो आपकी होम स्क्रीन रोटेट नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं रेडमी ए टू फ़ोन में। और सिंपली आपको ऑप्शन नहीं मिलता है सर्चिंग सेटिंग में, तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ करके होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जाना होगा डिस्प्ले सेटिंग्स पे, तो डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो इसको जैसे आप ऑन करते हैं तो ऑन करके भी आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और होम स्क्रीन को रोटेट कर पाएंगे, और सिंपली ऑफ़ कर देंगे तो जो आपकी होम स्क्रीन होती है रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ़ करके रोटेट कर सकते हैं होम स्क्रीन वगैरह को अपने रेडमी फ़ोन में, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।